नमस्कार दोस्तों, माई टेक स्टार चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको आपके पीसी या लैपटॉप में इंस्टॉल विंडोज 10 की परफॉर्मेंस को मैक्सिमम लेवल तक बूस्ट करने के कुछ टिप्स बताऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं। नंबर 1, चेंज पावर प्लान। इसके लिए आप अपने विंडोज सर्च बार में जाइए, टाइप कीजिए पावर ऑप्शन POWER। अब ये कंट्रोल पैनल आपके सामने खुल जाएगा। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपका पावर प्लान बैलेंस्ड सिलेक्ट होगा। इसको हाई परफॉर्मेंस कर दें और क्लोज कर दें। नंबर 2, डिसेबल अनवांटेड स्टार्टअप प्रोग्राम्स। इसके लिए आप अपने टास्क बार पर राइट क्लिक कीजिए, टास्क मैनेजर ओपन कीजिए, इसके बाद स्टार्टअप में जाइए। दोस्तों, जब भी आप कोई एक नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो आपके विंडोज बूटिंग प्रोसेस में एक छोटा सा प्रोग्राम ऐड कर देता है, जिससे आपकी पीसी या लैपटॉप की बूटिंग प्रोसेस बहुत स्लो हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स होते हैं जिनका हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो यहाँ पर हम उनको डिसेबल कर सकते हैं। डिसेबल करने के लिए जिसको भी आप ज़्यादा यूज़ ना करते हो उस पर क्लिक कीजिए और डिसेबल कर दीजिए। इस तरह से क्लिक कीजिए, डिसेबल कर दीजिए, क्लिक कीजिए, डिसेबल कर दीजिए। इस तरह से आप ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे स्काइप है, मैंने ऑलरेडी उसको इंस्टॉल नहीं कर रखा है, इसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, आप उसको डिसेबल कर सकते हैं, फिर क्लोज कर दें। नंबर 3, डीफ्रेगमेंट एंड ऑप्टिमाइज। इसके लिए दोस्तों विंडो के सर्च बार में टाइप कीजिए डीफ्रेगमेंट। अब आपको ये ऑप्शंस दिखेंगे, डीफ्रेगमेंट एंड ऑप्टिमाइज टैब, एंटर कर दें। अब यहाँ पर आपकी सिस्टम टाइप जो कि सी होती है वो सिलेक्टेड होगी। यहाँ ऑप्टिमाइज कर दें, अभी इसको एनालाइज करना स्टार्ट कर देगा, इसको होने दें। नंबर 4, डिलीट अननेसेसरी टेम्परेरी फाइल्स। इसके लिए आप अपने कीबोर्ड पर विंडो प्लस आर को प्रेस कीजिए, टाइप कीजिए %TEMP10% OK और कंट्रोल प्लस ए से ऑल सेलेक्ट कीजिए और शिफ्ट प्लस डिलीट कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। जो फाइल्स करेंटली आपकी खुली होंगी वो आपके डिलीट नहीं होंगी, उसके लिए आप स्किप कर सकते हैं, क्लोज कर दीजिए। अब विंडो प्लस आर को फिर प्रेस कीजिए, अब टाइप कीजिए TEMP10 OK, कंट्रोल प्लस ए, शिफ्ट प्लस डिलीट, एंटर, क्लोज कर दीजिए। उसके बाद फिर से विंडो प्लस आर, अब टाइप कीजिए प्रीफेच PREFETCH, ओके, कंट्रोल प्लस ए, शिफ्ट प्लस डिलीट, एंटर, क्लोज कर दीजिए। नंबर 5, क्लीन अप मेमोरी। इससे दोस्तों आप अपने फाइल एक्सप्लोरर में जाइए, सी ड्राइव पर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज, डिस्क क्लीन अप, ये एनालाइज करेगा, पूरा कैलकुलेट करेगा कितना डाटा डिलीट हो सकता है, कुछ वक्त लेगा। यहाँ पर कुछ फोल्डर्स बाय डिफॉल्ट आपके सेलेक्ट होंगे, जैसे टेम्परेरी फाइल्स, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं और ओके कर दीजिए। चिंता मत कीजिए, इससे सिर्फ आपकी फालतू की फाइल्स डिलीट होंगी, काम की नहीं, क्लोज कर दीजिए। नंबर 6, रिड्यूस रन टाइम सर्विस। इसके लिए आप अपने रन बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए MS config, ओके कर दीजिए, सर्विसेज में जाइए और यहाँ पर हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज पर क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए। नंबर 7, रजिस्ट्री ट्विक्स। इसलिए आप फिर से रन बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए रजिस्ट्रीड, ओके, यस। अब यहाँ पर HKEY करंट यूजर पर डबल क्लिक कीजिए, मास पर डबल क्लिक कीजिए, मास ओवर टाइम पर डबल क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू 400 से 10 कर दीजिए। अब डेस्कटॉप पर डबल क्लिक कीजिए, मेन्यू सॉर्ट डिले पर डबल क्लिक कीजिए, अब इसकी वैल्यू 400 से 10 कर दीजिए, ओके कर दीजिए। नंबर 8, विजुअल इफेक्ट्स। इसमें मैं आपको विंडोज 10 इंटरफेस ग्राफिकल परफॉर्मेंस को डिसेबल करना बताऊंगा। इससे आपकी विंडोज की ग्राफिक्स पर इफेक्ट पड़ेगा, पर गेमिंग ग्राफिक्स या किसी और सॉफ्टवेयर की ग्राफिक्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये आपकी मर्जी है। आप अगर विंडोज इंटरफेस ग्राफिक को डिसेबल कर भी देते हैं और आपको ये ठीक नहीं लगता है तो आप वापस नॉर्मल कर सकते हैं। इसे डिसेबल करने के लिए अपने विंडोज की सर्च में जाइए, टाइप कीजिए सिस्टम, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स। अब यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के अंदर सेटिंग्स बटन दिखेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आप एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस ऑप्शंस पर क्लिक कर दीजिए। अब नीचे ये सारी सेटिंग्स ऑफ हो जाएंगे, आप इनमें से कुछ को अपनी मर्जी से ऑन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं सो शैडोज अंडर मास्क काउंटर को ऑन कर देता हूँ, क्लिक ऑन अप्लाई, देन ओके। अब तक आपने जो भी किया है उसका इफेक्ट देखने के लिए अपने सिस्टम को रिस्टार्ट कर दें, आपको अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस में फ़र्क दिखेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसे लाइक करें, शेयर करें। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।